कि उनके पास दार नबूवत नहीं है, आप किसी और को बनाएं जो हम में से हो। यानी कि चंद एक चुनिंदा लोग आ चुके थे कि हम में से ही बनाया जाए। तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी जगह पर हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। उसका वाक़ इंशाल्लाह कल आएगा। यहाँ पर ये सारे लोग जमा हो के इन्होंने हज़रत शमूईल अलैहिस्सलाम से ये चीज़ें कही थी जिसका जिक्र कुरान में आया है। बाकी वाक़े की तकमील इंशाल्लाह आइंदा होगी। अलम तराइल मलाई मिन बनी इसराइल मिन बाद मूसा, हज़रत मूसा के इंतकाल के 350 बरस ये 350 बरस गुजरने के बाद हज़रत शमूईल पैदा हुए थे। फिर जब वो बूढ़े हो गए तो इल्कानुली नबी इल्लाह, जब इन ये सब जमा हुए और इन्होंने अपने नबी से कहा, तो ये सारा वो वाक़ है कि सब लोग जमा हुए हज़रत शमूईल के पास आए और नबी से हज़रत शमूईल मुराद हैं। वो बात लाना मालिक है, कहने लगे हमारे दरमियान एक बादशाह कायम कर दीजिए कि जो बादशाह हो मुकातिल फी सबीलिल्लाह, हम उसकी सरबराही में अल्लाह के रास्ते में कताल करें, दुश्मन से मुकाबला करें। قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا, वो बातें जो मैंने अर्ज़ की थी कि कहा था कि तुम्हारे साथ बादशाह तुम्हारे ऊपर जुल्म करेगा जैसे फिरौन ने जुल्म किया था, वो बातें। और फिर बुनियादी बात वो ये कही थी हल عسيتم ان كتب عليكم القتال, क्या ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे ऊपर जब कताल फ़र्ज होगा, जिहाद फ़र्ज होगा, तो तुम कताल से पीछे हो जाओ। और तो कहने लगे वमा लना अल्लाह नुकातिल फी सबीलिल्लाह, हमें क्या हुआ कि हम अल्लाह के रास्ते में कताल नहीं करेंगे। कद उखरिजना मिन दियारिना, हालांकि हम घरों से निकाल दिए गए, हमारे खान ने हमें घरों से निकाल दिया। वबना इना, हमसे हमारे बच्चे छीन लिए, हमसे हमारे बच्चों को जुदा कर दिया, हमारे घरों को वीरान और हमारे घर हमारे इलाके को तबाह बर्बाद कर दिया, हम ज़रूर ब ज़रूर उनसे कताल करेंगे। वलम्मा कुतिब अलैहिम अल-क़िताल, फिर जब उनके ऊपर क़िताल फ़र्ज हुआ, तवल्लौ इल्ला क़लीलन, सारे भाग गए, बस उनमें से कुछ लोग बाकी रहे। उस जंग का किस्सा भी आगे इसी रुकू में इंशाल्लाह आएगा कि किस तरीके से तालूत अलैहिस्सलाम उनको लेकर गए। वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन, यहाँ से मालूम हुआ कि जिहाद से रूगर्दानी करने वाला बग़ैर किसी औज़र के वो ज़ालिमों में शुमार होगा जो मैदान क़िताल से बग़ैर उज़र होने के भाग जाए महज़ अपनी बुज़दिली की वजह से, उसको अल्लाह ताला ज़ालिम का ख़िताब दे रहे हैं। वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ऐसे ज़ालिमों से बाख़बर है। कि दो वजह से इनको ज़ालिम कहा, एक तो मुँह फेरने की वजह से, दूसरा अपना वादा तोड़ने की वजह से। बाकी इंशाल्लाह वाक़ेआ आइंदा है, अल्लाह समझे।